हेलो एवरीवन, तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं, जहाँ पे हमने लास्ट लेक्चर में छोड़ा था वहाँ से हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, यानी कि अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल अगर निकल जाते हैं किसी न्यूक्लियस से ड्यूरिंग रेडियो एक्टिविटी तो उसमें क्या चेंजेस आएंगे, एंड गामा रे निकलता है तो उसकी वजह से क्या चेंजेस आएंगे। तो बिना किसी इंतजार के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आमिर, आप सभी का फिर स्वागत है यूट्यूब चैनल मॉडर्न पढ़ाई पर। अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कॉपी कलम निकाल के लिखना स्टार्ट कीजिए, जो बातें बोल रहा हूँ वन बाय वन नोट्स बनाना शुरू कीजिए। अगर आपने मेरे प्रीवियस दोनों लेक्चर्स को अच्छे से देखा है, प्रॉपरली नोट्स बनाए हैं, देन आपको कोई और नोट्स की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है? बिल्कुल। और जो चीज़ जो क्वेश्चंस में लिखाता जा रहा हूँ उनको आप प्रैक्टिस करते रहें, उन्हीं सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है? और कुछ नहीं आने वाले। देखो, तो हम लोग पढ़ेंगे भैया अल्फ़ा डी के। अल्फ़ा डी के यही होता है, अल्फ़ा डी के का मतलब होता है कि एक अल्फ़ा पार्टिकल भाग गया निकल गया, तो अल्फ़ा डी के का मतलब वही हुआ, ठीक है? अब निकला है तो होगा क्या? हम लोग मान लेते हैं एक हमारे पास एलिमेंट है, एलिमेंट को लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से, इतना तो पता है आपको। एक एलिमेंट हमारे पास एक्स है, इसका हमारा एटॉमिक मास नंबर जो है, इसका एटॉमिक मास नंबर हम लोग ए से डिनोट कर देते हैं और एटॉमिक नंबर हम लोग जेड से डिनोट कर देते हैं, ठीक है? अब अल्फ़ा डीके का आप पहले मेरे को बात बताओ। अल्फ़ा पार्टिकल हमने पढ़ा था भैया, अल्फ़ा पार्टिकल कैसा नेचर का है, हमने प्रॉपर्टीज़ में लिखा था। नेचर कैसा है इसका? हीलियम पार्टिकल का जैसा हीलियम न्यूक्लियस होता था। हीलियम न्यूक्लियस का तो एच ही, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? दो। मास नंबर कितना होता है? चार। सिंपल सा चीज़ है। तो अगर एक अल्फ़ा पार्टिकल, मैं कहता हूँ कि ये जो एलिमेंट है, कोई सभी अभी एग्जाम्पल लेके समझेंगे, अभी जनरल कॉन्फिग्रेशन देखो। एक एलिमेंट हमारे पास एक से, इस एलिमेंट से अगर एक अल्फ़ा पार्टिकल निकलता है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे भैया, अल्फ़ा डी के, यानी कि एक अल्फ़ा पार्टिकल अगर निकलता है तो क्या चेंजिंग आ जाना चाहिए। एक अल्फ़ा पार्टिकल निकलेगा मतलब एज उसका कॉन्फिग्रेशन कैसा, हीलियम के बराबर है। तो हीलियम में देखो, हीलियम में देखो मास नंबर कितना? चार है और एटॉमिक नंबर दो है। अगर एक अल्फ़ा पार्टिकल यहाँ से चला गया, मतलब ये मैं कह सकता हूँ कि उसमें से चार मास नंबर चला गया, क्योंकि एक अल्फ़ा पार्टिकल निकलने का मतलब है एक हीलियम न्यूक्लियस का निकल जाना। और एक हीलियम न्यूक्लियस अगर निकलता है तो अपने साथ वो चार मास नंबर लेके जाएगा, दो एटॉमिक नंबर लेके जाएगा, तो इसका मास नंबर में कितना कमी होगा? चार का। जितना था उसमें चार कटा दिया, ए माइनस फोर। एटॉमिक नंबर में कितना का कमी होगा? दो का। ठीक, तो मास नंबर में कितना कम होगा? चार का। एटॉमिक नंबर कितना कम होगा? दो का। ये हो गया आपका, यह हम लोग प्लस करने के लिए ऐसे लिखा, बैलेंस करने के लिए दिखा सकते कि भैया ये जो बंदा था ये भाग गया, ठीक है? ख़त्म। बस अल्फा डी के इतना ही है, सिंपल लिखना होगा आपको। सर लिखना होगा, मान लिया है कि एक एटॉमिक, मान लिया एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास नंबर ए है, एटॉमिक नंबर जेड है, अगर इसमें से एक अल्फ़ा एलिमेंट निकलता है तो इसका एटॉमिक नंबर दो कम हो जाएगा, मास नंबर चार कम हो जाएगा। बस ऐसे दिखा देना है, सिंपल सा चीज़ है। एग्जांपल लेके देख लेते हैं हम लोग, ठीक है? कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, तो एग्जांपल्स में आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। आइए एग्जांपल्स की बात करते हैं। पहला एग्जांपल लेते हैं हम लोग रेडियम का, ठीक है? अब हाँ, पेरेंट डॉटर एलिमेंट मैंने आपको बताया था, तो ये रेडियो एक्टिविटी में पहले था ना, ये हो गया हमारा क्या हो गया, पेरेंट आइटम। और ये जो नया बना, जो चेंज होकर गया, ये क्या हो गया, डॉटर आइटम। सिंपल सा चीज़ है, पहले भी बता रखा है फिर बता दे रहा हूँ। पेरेंट आइटम एंड डॉटर आइटम, इसको हटा देते हैं। एग्जांपल में हम लोग सबसे पहला ले लेते हैं, सबसे पहला जो एग्जांपल हमारे पास आएगा वो आएगा रेडियम का, ठीक है? रेडियम पूरा लिखने की जरूरत है, रेडियम आर ए लिखते हैं। रेडियम का जो एटॉमिक मास नंबर होता है आपका, वो 226 होता है, एंड जो एटॉमिक नंबर होता है वो 28 होता है। लाइट चला गया, बताओ कितना ख़राब बात है। इसमें हम लोग कराएंगे आपका अल्फ़ा डी के, तो इसमें जब अल्फ़ा डी के आपका होगा, तो इसमें अल्फ़ा डी के होने से क्या होना है, अल्फ़ा डी के एक हीलियम न्यूक्लियस बाहर हो गया, मतलब एटॉमिक नंबर कितना कम होना है, दो। तो रेडियम लिखो, रेडियम नहीं लिख सकते यहाँ पर ना, देखो एटॉमिक नंबर चेंज होगा तो क्या होगा, एलिमेंट चेंज हो जाएगा। अब अपने को रेडियम से दो पीछे आना होगा, दो एटॉमिक नंबर कम हुआ, मतलब एटॉमिक नंबर जिसका हमारे पास ये, अरे यार 28 कहाँ से भाई, 88, गर्मी का असर है सब, 88 रेडियम का एटॉमिक 88। अब हमको वो एटॉमिक यहाँ से दो पीछे आएंगे तो 86 पर जो एलिमेंट होगा वो अपने को मिल रहा होगा, ठीक है? क्योंकि वो 88 रहा नहीं, उसका एटॉमिक नंबर दो कम हो चुका है, तो इसके पीछे आप दो पे आओगे तो यहाँ पर आपको रेड ऑन मिलेगा, आर एन, इसका एटॉमिक नंबर 86 होता है। अब मास नंबर आप ऐसे ही बता सकते हो, मास नंबर चार कम होगा तो इसका मास नंबर आपका 222 होगा, सिंपल सा चीज़ है। ये पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल देख ली, दूसरा एग्जांपल हमने लिया यूरेनियम का, तो यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 होता है और इसका मास नंबर आपका 238 होता है,
इसमें भी हम लोग वही सेम चीज़ कराएंगे अल्फा डी के। तो दो पीछे जाना मतलब यहाँ पे जो एलिमेंट आने वाला उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, 90 होगा, 90 होना चाहिए। तो 90 किसका होता है एटॉमिक नंबर, नीचे जाओगे तो थोरियम का एटॉमिक नंबर आपको 90 मिलेगा। थोरियम को ये 90, मास नंबर 4 काम कर दो 234। सिंपल सा चीज़ है। बैलेंस करने के लिए सब में आप लिख सकते हो हीलियम इस तरीके से, इसमें भी आप लिख सकते हो हीलियम एच ई, मास नंबर 4, एटॉमिक नंबर 2। ठीक है, हो गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, तीसरा नंबर एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग प्लूरोनियम का, पी यू। पी यू क्या हो गया, ये प्लूरोनियम हो गया, प्लूरोनियम। ठीक है, पी यू हो गया प्लूरोनियम। इसका इसका जो एटॉमिक नंबर होता है, प्लूरोनियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास है 94 और इसका जो मास नंबर है वो है 239। ठीक है, तो प्लूरोनियम हो गया हमारा 239। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या होना है भैया, ये इसमें अल्फ़ा डीके होगा, तो इसमें अल्फ़ा डीके होने से क्या होगा, इसका एटॉमिक नंबर 2 कम होगा, यानी कि ये जाएगा कहाँ, 92 पर। और 92 पर कौन है, यूरेनियम है, यानी कि ये जब रेडियोएक्टिव शो करेगा इसमें से एक अल्फ़ा पार्टिकल निकलता है तो ये बन जाएगा यूरेनियम, यूरेनियम में कन्वर्ट हो जाएगा। और मास नंबर 4 कम होगा, मास नंबर 235 ही आएगा यहाँ पर, क्योंकि 4 कम होना है ना। अब अलग अलग आइसोटोप्स आइसोबार सब भी तो पाए जाते हैं ना, आइसोटोप्स आइसोबार सभी पाए जाते हैं, इसलिए ये 235 हमारा वेरिएंट आ गया है। कुछ ऐसा है भैया, एटॉमिक नंबर सेम ही, एटॉमिक मास नंबर चेंज हो गया, वो लोग आपस में समझे वो उसका आइसोबार होगा। ठीक है, चलिए प्लस बैलेंस करने के लिए हम लोग हीलियम को दिखा सकते हैं यहाँ पर, हो गया। तीन एग्जांपल्स बहुत आपके लिए, मैं एक चार इसी में से उठा के दिखाता हूँ, अभी हुआ है। देखो यहाँ पर, देखो अगर मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, मान लो थोरियम लेता हूँ मैं, अगर मैं थोरियम लेता हूँ और थोरियम में से एक अल्फ़ा पार्टिकल को मैं बाहर निकालता हूँ, 90 एटॉमिक नंबर, 234 मास नंबर, इसमें से एक अल्फ़ा अगर मैं अल्फ़ा डीके कराता हूँ, मतलब एक अल्फ़ा पार्टिकल बाहर निकलता है, तो ये कहाँ जाएगा बताओ। ये जाना है दो पीछे, यानी कि 88 होना है एटॉमिक नंबर इसका, तो एटॉमिक नंबर 88, देखो ये रेडियम है, यानी कि इससे पीछे हम लोग जाएंगे तो ये अपने को रेडियम दे देगा 88 पे। और मैं मास नंबर 4 काम करूँ तो 230 मिलेगा, ये उसका कोई ऐसा बार होगा खुद का। ठीक है, ये बात हमारा। तो अल्फ़ा डीके का सिंपल मीनिंग वही है, एक अल्फ़ा पार्टिकल अगर निकलता है तो भैया सिंपली क्या होगा, एटॉमिक नंबर आपका 2 कम होगा, मास नंबर आपका 4 कम होगा, बस सो सिंपल, उतार लो इसको। तो देखो अल्फा बीटे के बाद हम लोग अब सॉरी अल्फा डीके के बाद अब हम लोग आगे देखते हैं बीटा डीके की तरफ। तो बीटा डीके में हम लिखाया था, बीटा में हम लोग जो नेचर लिखाया था, बीटा का नेचर क्या था भैया, अगर एक बीटा निकलता है इसके मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया समझो, जिसका चार्ज हमारे पास माइनस होता है, मास तो इसका 0 ही मान लेते, प्रोटोन के बने, अगर प्रोटोन के कंपैरिजन हम लोग मास देखते हैं इलेक्ट्रॉन का, तो समझ लो उसके पास कोई भी मास नहीं, फिलहाल उसके मास का हम लोग चर्चा नहीं करें ना। अगर इलेक्ट्रॉन का कंपैरिजन में देखेंगे तो सॉरी प्रोटॉन का कंपैरिजन में अगर हम लोग चेक करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का मास अपने को कितना मिलता है, ऑलमोस्ट वो 0 ही हो जाता है, इसलिए हम लोग उसका मास 0 ही लेकर के चलते हैं, होता नहीं बट उसको 0 मान लेते हैं, क्योंकि इतना कम है, चार्ज एक है, एक माइनस होता है। ड्यूरिंग बीटा डीके क्या होता है, अगर बीटा डीके हो रहा है न्यूक्लियस के अंदर तो क्या होता है कि उसमें एक जो न्यूट्रॉन है वो क्या करता है, वो आपका प्रोटॉन में चेंज रहता है, तब न्यूट्रॉन क्या हुआ, एक न्यूट्रॉन कम हुआ वो प्रोटॉन में चेंज हो गया, तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि इससे क्या होगा भैया, एक प्रोटॉन बढ़ा मतलब एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ा। तो सिंपल यहाँ पे वही फंडा होता है, अगर एक बीटा डीके निकलता है मतलब वहाँ पर एटॉमिक नंबर में एक बढ़ोतरी आएगी, मास नंबर में कोई चेंज नहीं आना है क्योंकि इसका मास है ही नहीं, तो जो भी नया एलिमेंट बनेगा उसका एटॉमिक नंबर तो एक बढ़ेगा बट मास नंबर वही सेम एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, सिंपल सा फंडा, ड्यूरिंग बीटा डीके वन न्यूट्रॉन कन्वर्ट्स इनटू अ प्रोटॉन, एक प्रोटॉन में बढ़ेगा, प्रोटॉन के पास चार्ज कैसा, पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन हमारा एटॉमिक नंबर में डिनोट करता है, मतलब एक एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा। ठीक है, ये हो गया, हम लोग यहाँ दिखा सकते हैं प्लस एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बैलेंस हो गया, अब प्लस एनर्जी तो निकलता ही है कुछ ना कुछ। ठीक है, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन का मामला, अब अगर इलेक्ट्रॉन निकला तो ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का एक जुड़वा भाई होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पॉजिट्रॉन, ज़्यादा कुछ जानना नहीं इसके बारे में, बस इतना समझ लो इसका एक जुड़वा भाई होता है उसको हम लोग पॉजिट्रॉन बोलते हैं, उसको हम लोग पी से दिखाते हैं। पॉजिट्रॉन का चार्ज होता है प्लस, ठीक है, अगर ये कन्वर्ट होगा तो इसमें क्या होना है, एक एटॉमिक नंबर कम हो जाएगा, इसका भी मास हमारा 0 हो जाता है, प्लस एनर्जी रहेगा, ये हमारा मान लो जेड माइनस 1 कर लो, इसको ये कर लो, ये आपका ऐसा सिलेबस है नहीं बट ऐसे बता दिया, कहीं कहीं पे देखने को मिल गया था टेस्ट पेपर में, बस इसलिए बता दिया। अगर ये बीटा डीके के दौरान अगर यहाँ पे मान लो पी दिखा है आपको तो समझ जाना ये पॉजिट्रॉन का बात कर रहा है, अब पॉजिट्रॉन अगर निकलता है ड्यूरिंग बीटा डीके तो एटॉमिक नंबर क्या होगा, एक कम होगा, पॉजिट्रॉन। ठीक,
सिंपल, इसके बारे में और कुछ जानना नहीं है। पॉजिटॉन निकला ऐसे जनरली आपका इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा एक एटॉमिक नंबर आपका बढ़ जाएगा, पॉजिटॉन निकला एक एटॉमिक नंबर घट जाएगा। एग्जांपल हमने एक ही लिखा है, एक ही एग्जांपल आपके लिए बहुत है। थोरियम का एग्जांपल लिया, एटॉमिक नंबर 90, मास नंबर 234, मास नंबर चेंज होगा नहीं, एटॉमिक नंबर एक बढ़ेगा तो ये चले जाएगा पीए के पास यानी कि पैडियम के पास। ठीक है, सो सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, हटा दो इसको, है ना, उतार लो। लास्ट हम लोग एक बात कर लेंगे गामा डीके के बारे में। अब गामा डीके हम लोग देखो प्रॉपर्टीज़ याद करो तो गामा के पास ना तो कोई चार्ज है, हमने देखो गामा में हम लोग चार्ज में क्या लिखा था, जीरो, तो गामा के पास चार्ज जीरो है। मास बताओ, गामा के पास मास भी जीरो है। ये सिर्फ एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, बस एक एनर्जी है आपका और कुछ नहीं है। इसमें होता है कि भैया मान लो कोई एटॉमिक नंबर, कोई आपका न्यूक्लियस था, एटम का न्यूक्लियस एटॉमिक नंबर ए, मास नंबर जेड, ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड स्टेट में था, मतलब इसके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, तो अब ये अपने आप को बैलेंस करना चाहेगा तो एनर्जी बस रिलीज करता है, तो यहाँ पर गामा डीके होगा। तो गामा डीके होगा तो क्या होगा, ये जो नया आपका जो भी डॉटर आइटम आपको मिलने वाला है इसका ना तो एटॉमिक नंबर में चेंज आएगा ना ही मास नंबर में चेंज आएगा, बस इसका जो एनर्जी स्टेट होगा लो हो जाएगा, ये थोड़ा लोअर एनर्जी स्टेट में आ जाएगा आपका। ठीक है, लोअर एनर्जी स्टेट, बस इतना ही होना है, क्योंकि आपको पता भैया ये क्या यहाँ से हाई एनर्जी आपका निकल जाएगा फोटोन का शक्ल में, गामा रे वही होता और कुछ नहीं। गामा रे का चेंज हो, गामा रे का निकलने से ना तो एटॉमिक नंबर में चेंज आना है ना मास नंबर में चेंज आना है। बीटा डीके होगा तो एक एटोम, अगर इलेक्ट्रॉन बाहर आया है एक एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, अगर पॉजिट्रॉन बाहर आया एक एटॉमिक नंबर घट जाएगा। प्रोटो इसका केस में क्या था हमारा, अल्फा डीके केस में, अल्फा डीके में सिंपली था चार एटॉमिक मास नंबर कम होना है और दो एटॉमिक नंबर कम होना है। सेम एज इट इज, सबका सब क्लियर है आपको, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, सब एकदम आसान टॉपिक्स थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा और क्वेश्चन आप लिख लो, उसको मैं समझा देता हूँ, क्योंकि वो सिर्फ समझने का ही है, उसमें सिर्फ वो ज़्यादा कुछ करना नहीं है आपको। हाँ, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग इसमें कुछ और जो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जैसे कि न्यूक्लियर एनर्जी हो गया, बाइंडिंग एनर्जी हो गया, मास इफेक्ट हो गया, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, चेन रिएक्शन, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, फिर एक सेपरेट लेक्चर मेरे को करना पड़ेगा एटम बम के ऊपर, है ना, हाँ एटम के बम के बारे में जानना होगा अपने को, और इसमें कुछ इंसिडेंट्स आपको दिया हुआ है हिरोशिमा नागासाकी का, इसके अलावा एक और जगह का, वो हम लोग जानेंगे, क्योंकि उसके बाद हिरोशिमा नागासाकी पहला ही था जहाँ पर एटम बम गिरा था आपका, और हाल बहुत ख़राब हुआ था उस जगह का, मिटा देते इसको ना। चलिए क्वेश्चन आपका मैं बोलता हूँ, क्वेश्चन लिखो तब तक मैं इसको मिटाता हूँ। क्वेश्चन है राइट डाउन द यूजेस ऑफ रेडियो एक्टिविटी, अगर आपने टेस्ट पेपर फॉलो करना शुरू किया तो आपको यह क्वेश्चन बहुत जगह दिखा होगा। लिखो, राइट डाउन द यूजेस ऑफ रेडियो एक्टिविटी, क्या क्या यूज है रेडियो एक्टिविटी का, यूजेस ऑफ रेडियो एक्टिविटी, यूजेस ऑफ रेडियो एक्टिविटी, यूजेस ऑफ रेडियो एक्टिविटी, राइट डाउन द यूजेस ऑफ रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी यूज़ क्या है। तो देखो सबसे पहला जो यूज़ है इसका, रेडिएशन का इस्तेमाल करके हम लोग मेडिकल साइंस में क्या कहते हैं भैया, कैंसर जैसे बीमारी का हम लोग इलाज ढूंढते हैं, सिंपल सा फंडा है। ठीक है, सो एग्जांपल ले लेते हैं, आइसोटोप आयरन का जो कुछ आइसोटोप्स है, आयोडीन के रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के जरिए डॉक्टर हजरात लोग क्या करते हैं, खून में क्लॉट्स और दिमाग में हुए ट्यूमर वगैरह का पता लगाते हैं, सिंपल सा चीज़। आयरन का कुछ आइसोटोप्स हम लोग यूज़ करते हैं, फिर आयोडीन का कुछ आइसोटोप्स यूज़ करते हैं, इसके क्या कहते हैं हम लोग, ब्लड में क्लॉटिंग कहीं पे हो गया तो ब्लड में क्लॉटिंग का पता लगाया जाता है रेडियो एक्टिव के थ्रू, या कहीं कैंसर हो गया हमारा, ट्यूमर है तो ट्यूमर वगैरह का पता लगाने के लिए हम लोग रेडियो एक्टिविटी का यूज़ करते हैं। ठीक है, दूसरा इसके रेडिएशन के जरिए हम लोग ज़मीन का उम्र का पता चलता है। ठीक है, ज़मीन का क्या उम्र है इसका हम लोग रेडिएशन के थ्रू पता लगा सकते हैं, इस टेक्निक को हम लोग भैया ट्रेसिंग टेक्निक कहते हैं। ठीक है, तीसरा हम लोग देखते हैं इसका इस्तेमाल जो है आपका, इसमें एक और इस्तेमाल है C60 का इस्तेमाल, एक अब ये लिख ही लो, ये तो इंपॉर्टेंट, ये कहीं कहीं पे दिखा है मेरे को, MCQ में पूछा, C60 जो कार्बन है आपका, C60 का इस्तेमाल हम लोग कैंसर के इलाज में करते हैं, लिख लो, C60 इज़ यूज्ड, ये कैंसर का इलाज में हम लोग करते हैं C60 का यूज़ आपका। और बाकी जो यूजेस मैं आपको दिखा दे रहा हूँ स्क्रीन पर उसको पढ़ लो वन बाय वन, कुछ नहीं है उसमें, एकदम आसान सा चीज़ है। यूरेनियम का बात करें तो यूरेनियम का एक आइसोटोप होता है आपका, यूरेनियम का एक आइसोटोप है 92-235, इसका यूज़ कहाँ होता है, ये बोला रेडियो आइसोटोप का इस्तेमाल न्यूक्लियर रिएक्टर में ज़्यादातर होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में, न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है वो देखेंगे आगे चल के, जब हम लोग न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, चेन रिएक्शन जब पढ़ लेंगे तब न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में देखेंगे। फिलहाल याद रखो कि यू इसका यूज़ हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर में करते हैं। ठीक है,
न्यूक्लियर रिएक्टर। सिंपल है, आगे देखो। व्हाट टाइप ऑफ रेडिएशन और पार्टिकल इमिटेड बाई रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई डैट कॉजेज मैक्सिमम बायोलॉजिकल डैमेज। ठीक है, तो इसका आंसर सिंपल है भैया, रेडियो एक्टिविटी के दौरान आपका जो गामा रे निकलता है वो सबसे ज़्यादा बायोलॉजिकल डैमेज देता है। कौन सा रे? गामा रे। आंसर भी हो गया। अगला क्वेश्चन लिखो, व्हेन डज द न्यूक्लियस ऑफ एन आइटम बिकम रेडियो एक्टिव। लिखो, व्हेन डज द न्यूक्लियस ऑफ एन आइटम बिकम रेडियो एक्टिव। तो इसका तो आपको पता है कब होगा, जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो रेशियो है वो बिगड़ेगा, या तो ग्रेटर देन हो जाएगा या फिर लेस देन हो जाएगा। सिंपल है, और क्या, इसका आंसर आप खुद ही लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन लिखो, अमंग देम डैट इज अल्फा कॉमा बीटा एंड गामा रेज विच हैज़ द हाईएस्ट मास। इन तीनों में सबसे ज़्यादा मास किसका है? सिंपल सवाल है, अल्फा का है, और क्या है। चलो ख़त्म करते कहानी, आज के लेक्चर हम लोग यहीं पे सम अप करते। नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम लोग क्वेश्चन लिख रहे थे, नेक्स्ट लेक्चर के क्वेश्चन लिख लो डिफाइन द फ्लोइंग टर्म्स। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग स्टार्ट यहीं से करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। एक अपने को देखना है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है भैया। ठीक है, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, फिर हम लोग समझेंगे मास डिफेक्ट, फिर आप लोग चलेंगे न्यूक्लियर फ्यूज़न की तरफ, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे न्यूक्लियर फ्यूज़न की तरफ। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूज़न एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट चेन रिएक्शन। ये 5 टॉपिक्स है, जो 5 बेसिक टर्म्स है ये हम लोग करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर रहे होंगे। ठीक है, 4th लेक्चर में ये सारी चीज़ें हमारा कवर हो जाएगा। देन 5th लेक्चर हमारा जो है मेरे ख्याल से ये चैप्टर का लास्ट लेक्चर होने वाला है। ठीक, क्लियर है सारी चीज़ें? चलिए बहुत अच्छी बात है। तो जब तक अगला लेक्चर में लेके आता हूँ तब तक आपको इन सारी चीज़ों को रिवाइज़ करना जो मैंने अभी तक पढ़ा दिया है, और नोट्स अच्छे से लिखिए। क्लास होते हैं जो क्वेश्चंस आप बता रहा हूँ वो क्वेश्चंस अच्छे से नोट्स में डालिए। ये क्वेश्चंस डायरेक्टली आपके एग्जाम में नज़र आ सकते हैं, बता दे रहा हूँ मैं। पहले आपके जो इंटरनल होने वाले जो कि सेंटअप आप बोलते हो, प्री बोर्ड एग्जाम्स जो भी हैं, और बोर्ड में आपको डायरेक्टली ये क्वेश्चंस आ सकते हैं एकदम डायरेक्टली, यही आपको क्वेश्चन यही सेम दिखेगा। तो उसको मिस करके जाना नहीं है, याद करते रहिए, रिवाइज़ करते रहिए। लोग बहुत जल्द मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, टिल देन गुड बाय।